नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ हादसे से जुड़े हुए और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से ही, जहां एक महिला को मलबे से बाहर निकाला गया है। महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है। अब तक 15 लोगों को बचाया गया है। मलबे में अभी भी 2 लोग दबे हैं, जिनमें से एक को स्पॉट किया गया है और अभी एक को स्पॉट करना बाकी है। उसको लेकर संशय बना हुआ है, उसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि एक को लेकर जो है ये जानकारी सामने आ रही है कि उसे स्पॉट किया गया और अब उसको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम की तस्वीर आप देख सकते हैं, अस्पताल की ये तस्वीर है जहां पर डिप्टी सीएम खुद पहुंचे हुए हैं और ये वो महिला है जिसे रेस्क्यू किया गया और अस्पताल ले जाया गया है। अब तक जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे में अभी भी 2 लोग दबे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीर है जब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक खुद घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे तो महिला का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी कमेटी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब तक 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इस बीच लखनऊ हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, 3 सदस्यीय जांच समिति अब इस पूरे संदर्भ में जांच करेगी। बिल्कुल, तो एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। और दूसरी तरफ सरकार सख्त नजर आ रही इस हादसे को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच कमेटी गठित कर दी है, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कमेटी बनी है जो इस पूरे हादसे की जांच करेगी। क्यों हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, कहां पर लापरवाही रही और साथ ही साथ बिल्डिंग क्या वैध थी या नहीं थी, कितने फ्लोर की परमिशन थी, इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी बिंदुओं को लेकर ये कमेटी कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आएगी। अपडेट आपको दे देते हैं आशिका कि 15 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। 2 लोग अभी भी फंसे हैं जिसमें से एक को स्पॉट किया जा चुका है और पाइप के जरिए जो है ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। डीआरएफ की टीम की तस्वीर आप देख सकते हैं और उसके अलावा डिप्टी सीएम जो है बृजेश पाठक खुद अस्पताल में मौजूद है, वहां पर जो घायल है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर अभी चल रही है ये वो 15वीं वो युवती है जिसे बचाया गया है और रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया, कहा जहां खुद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक नजर आ रहे हैं। लखनऊ आयुक्त रोशन जैकब कमेटी में शामिल है। देखिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन लोग रहेंगे उसको लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। संयुक्त पुलिस चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ भी इस कमेटी में शामिल है। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, सीएम योगी के निर्देश पर यह कमेटी बनी है। लखनऊ आयुक्त मंडलायुक्त रोशन जैकब इस कमेटी में शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोडिया भी इस कमेटी में शामिल है। साथ ही साथ चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ भी इस कमेटी में शामिल है। एक हफ्ते में यह रिपोर्ट सौंपनी होगी, यानी एक हफ्ते का समय जो है वो तय कर दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर ये पूरी रिपोर्ट, किस वजह से हादसा हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, इसको लेकर जांच की जाएगी। संवाददाता अभिषेक का सीधा रुख कर लेते हैं। अविनाश बात कीजिएगा, अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? 15 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, 3 में से एक महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है, उसकी क्या कुछ हालत है और अब क्या अपडेट है तस्वीर वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी ही देर पहले एक बुजुर्ग महिला को सिविल हॉस्पिटल लाया गया है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखा जाए तो उनको अभी डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। क्योंकि देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि पिछले 14 घंटे से ज्यादा समय से वो वहां मलबे में दबी हुई थी और हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले जब उनको रेस्क्यू किया गया तो उन्हें सीधे हॉस्पिटल लाया गया एम्बुलेंस में रखकर और यहां अब डॉक्टर की जो डॉक्टरों की टीम है उनका इलाज कर रही है। क्योंकि देखिए एक वहां समस्या ये भी आ रही है कि चूंकि 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी तो जो लोग नीचे दबे हुए थे उन्हें
चूंकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, हालांकि ऑक्सीजन को पाइपलाइन से अंदर डालने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन फिर भी 14 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है और जो लोग उसमें होते हैं तो उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। हालांकि अभी देखिए जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार इलाज कर रही है, डॉक्टर थोड़ी ही देर बाद साफ करेंगे। अविनाश, अविनाश आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी विधायक ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर लिए, अलाया बिल्डिंग गिरते ही मोबाइल नंबर बंद कर लिए। सूत्रों के हवाले से खबर, बेटे की हिरासत के बाद अंडरग्राउंड हुए शाहिद मंसूर। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए एक तरफ बिल्डिंग गिरी और उसके बाद अपने सभी मोबाइल नंबर एसपी विधायक शाहिद मंसूर ने बंद कर लिए हैं, अलाया बिल्डिंग गिरते ही ये नंबर बंद कर लिए गए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अविनाश ओवर टू यू, क्या जानकारी? एसपी विधायक ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर लिए, अलाया बिल्डिंग गिरते ही नंबर बंद किए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एक तरफ 3 सदस्यीय जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है, जिसे एक हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी, और दूसरी तरफ एसपी विधायक के बेटे को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। और फिर इसमें एक जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही वो ये कि एसपी विधायक ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर लिए हैं और अंडरग्राउंड हो गए हैं शाहिद मंसूर। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर। तो बता दें कि शाहिद मंसूर के बेटे और भतीजे पर यह आरोप था, और जैसे ही ये हादसा, जैसे ही ये बिल्डिंग धराशाही हुई, उसके बाद एसपी विधायक की तरफ से अपने फोन नंबर्स बंद कर लिए गए। और देखिए ये फोन नंबर्स बंद करना अपने आप में बहुत कुछ बया कर रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो अलाया बिल्डिंग गिरते ही बंद किए नंबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो बेटे की हिरासत के बाद अंडरग्राउंड हुए हैं शाहिद मंसूर, एसपी विधायक के चौर से, और अब उन्होंने अपने सभी नंबर बंद कर लिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सुबह सवेरे से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नवाजश को हिरासत में लिया गया, पूछताछ उससे यहां पर की गई। इस बीच अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि शाहिद मंसूर ने अपने तमाम जो नंबर हैं वो बंद कर लिए हैं। जब बिल्डिंग धराशायी उसके बाद तुरंत बाद ये नंबर बंद कर लिए गए, अंडरग्राउंड हो गए हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू यहां पर लगातार जारी है, दो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हालांकि एक जन का यहां पर लोकेशन जो है वो लोकेट हुई है, दूसरे के कश्मकश अभी स्थिति बनी हुई है। संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इसके अलावा पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल आशा, पवन का रुख करते हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही? सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही वो ये कि जो एसपी विधायक है उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है, क्या वजह रह सकती है? अब बिल्कुल तीन बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कि शाहिद मंसूर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके पुत्र के ऊपर आरोप है, उनकी बिल्डिंग है, उनके भतीजे के ऊपर है। तो तीन लोगों के खिलाफ जो कमिश्नर हैं लखनऊ, उन्होंने FIR करने का आदेश दिया है, जिसमें यजदान बिल्डर हैं, शाहिद मंसूर के बेटे हैं और शाहिद मंसूर के भतीजे, तीन लोगों के खिलाफ FIR होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है, जिसमें कमिश्नर लखनऊ है, पीयूष मोडी ज्वाइंट CP हैं, उसके अलावा चीफ इंजीनियर LDA हैं। एक हफ्ते के अंदर इस पूरे बिल्डिंग के गिरने के पीछे का क्या कारण है, क्या तथ्य है, कब से कौन कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त रहे, इन तमाम विषयों को वो जांच परख करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक तरीके से जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, एक लोगों की लोकेशन ट्रेस हुई है, 70 साल की जो महिला थी उनको हॉस्पिटल लेकर के यहां से जाया गया है, उसके अलावा जो दूसरे यानी जो तीन लोगों की बात की जा रही थी उसमें से एक लोगों की लोकेशन ट्रेस है, तीसरे की जो लोकेशन है वो नहीं मिल पा रही है। मोबाइल और तमाम सर्विलांस के मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस करने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को खड़ा किया, जिन लोगों ने बिना नक्शा पास किए इस बिल्डिंग को बनाया, उन तमाम लोगों की अब धरपकड़ शुरू हो गई है, जिसमें शाहिद मंसूर के बेटे को लखनऊ लेकर के मेरठ से लाया जा रहा है पूछताछ के बाद। उसके अलावा जो चचेरा भाई है, जो उसकी
एक तरीके से गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई जा रही हैं, क्योंकि वो मौके पे नहीं है। शाहिद मंजूर का मोबाइल स्विच ऑफ है। उसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश पे 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जो एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। उसके अलावा जो कमिश्नर लखनऊ है, उन्होंने आदेश दिया है कि यजदान बिल्डर जिसने बिल्डिंग बनाई थी, उसके अलावा शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे जो इस बिल्डिंग के ओनर्स हैं, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, कानूनी जो प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो बिल्कुल कानूनी प्रोसेस के तहत कार्रवाई को आगे पवन यहां पर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मेरठ से देर रात ही रवाना यहां पर कर दिया गया था लखनऊ के लिए, तो क्या नवाजश लखनऊ पहुंच चुका है? और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके पिता चचेरे भाई जो है वो अभी लापता, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या इस संदर्भ में भी कोई पूछताछ अभी नवाजश से? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे 3 से 4 घंटे की पूछताछ मेरठ में जो है वो शाहिद मंजूर के बेटे से हुई है, और उसके अलावा जो चचेरा भाई है शाहिद मंजूर का, जो भतीजा है, वो अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। उसको लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही है। शाहिद मंजूर का लोकेशन ट्रेस नहीं, क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, लिहाजा उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही है।